सब लोग जब भी बात आता है किसी रेप केस का, तब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है इंजुरी रिपोर्ट, क्योंकि एक इंजुरी रिपोर्ट के ऊपर ही एक रेप केस के जो चार्जेस है वो स्टैंड करता है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है, व्हाट आर द इंजुरीज वी फाउंड इन अ रेप विक्टिम। जब भी एक वुमन के बॉडी में जेनिटल इंजुरी और एक्स्ट्रा जेनिटल इंजुरी पाया जाता है, तब ये तो प्रूव हो जाता है कि उस वुमन के साथ रेप हुआ है। लेकिन उस केस में जो आरोपी है वही रेप किया है, वो हम साबित कैसे करें? सब लोग ये पता चलता है किसी के भी स्किन, स्वेट, ब्लड, टिश्यू, हेयर एज वेल एज सीमन, म्यूकस, सेलियम और एनी अदर बायोलॉजिकल सैंपल से, और जो कि एज एन एविडेंस एक पुलिस इंस्पेक्टर को मिलता है फ्रॉम क्राइम सीन से। और ऐसा भी हो सकता है जब एक डीएनए एविडेंस मिल जाए किसी के भी मेडिकल एग्जामिनेशन से उस विक्टिम के, रेप विक्टिम के जेनेटिक ऑर्गन में, तब श्योर शॉट वो आदमी ही रेप किया है जिसका डीएनए सब्सटेंस मेडिकल एग्जामिनेशन में पाया जाता है। तो इसी से एक रेप एक्यूज्ड के बारे में पता चल सकता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रेप केस के तरह ही पॉक्सो का केस में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रूफ करना इतना इजी है? पॉक्सो के फुल फॉर्म को अगर गौर से देखोगे तो आपको मिल जाएगा इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पॉक्सो जो केस है वो प्रोटेक्शन देता है किसको? एक गर्ल को जिसका उम्र कितना है, 18 साल से कम है। सो लुक, आपको क्या लगता है, क्या एक 18 साल से कम उम्र की लड़की के पास उतना पॉसिबल है कि वो एक सेक्सुअल ऑफेंस को, सेक्सुअल असल्ट को समझ पाए और वो कोर्ट के सामने आके उसके बारे में बात कर सके? क्योंकि हमारे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसा लड़कियां हैं जिसे यही पता नहीं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, सेक्सुअल असल्ट किसे कहा जाता है, तो वो कोर्ट के सामने अपने बात कैसे रख पाएगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि एक 18 साल से कम उम्र के लड़की के साथ जब भी सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है तो उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है, उसका पता चलता है एक लड़की के मेडिकल ट्रॉमा के ऊपर। जब भी एक बच्ची के ऊपर मेडिकल ट्रॉमा होता है उसके बाद उसके पेरेंट्स को अगर वो शेयर कर पाए तब पता चलता है। लेकिन इसके अलावा जो अपने पेरेंट्स के साथ ये बात नहीं शेयर कर पाता है उसके लिए स्पेशल एडुकेटर मतलब काउंसलर का जरूरत पड़ता है। तो इसी के रिलेटेड बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही रिमार्केबल और बहुत क्रूशियल जजमेंट दिया है। सो मेरे लोग, इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है एक गर्ल जिसका उम्र 18 साल से कम है अगर उसके प्राइवेट पार्ट में टच किया जाए तो वो एक पॉक्सो केस माना जाएगा। अगर उस केस में जो इंजुरी रिपोर्ट है वो एकदम क्लियर रहता है और वो एक्यूज्ड के पक्ष में रहता है तो इससे कोर्ट को घंटा नहीं फर्क आता क्योंकि वो है एक सेक्सुअल ऑफेंस। क्योंकि किसी भी लड़की के प्राइवेट पार्ट में टच करना मतलब सेक्सुअल असल्ट होता है। सो लुक, अब सवाल आता है बॉम्बे हाई कोर्ट को ऐसा जजमेंट देने का कारण क्या था, कहां से मुद्दा आया? तो मुद्दा आया एक डिसमिस अपील से। असल में एक एक्यूज जिसके खिलाफ पॉक्सो के चार्जेस था और लोअर कोर्ट के द्वारा उसको कन्विक्ट माना गया था, बाय द वे बॉम्बे हाई कोर्ट उस अपील को रिजेक्ट कर दिया था। तो लोग रिजेक्ट क्यों किया था, रिजेक्ट किया था क्योंकि प्रोसिक्यूशन के माने तो वो लड़की मतलब वो विक्टिम मतलब सर्वाइवर एक्यूज के घर के पीछे खेल रही थी। लेकिन अचानक उस एक्यूज को क्या सूझा, उसने उस लड़की को लेकर एक प्राइवेट प्लेस में, प्राइवेट प्लेस में ले जाने के बाद उस लड़की के प्राइवेट पार्ट को छूने लगा और वो छूने के साथ साथ वो आंख बंद करके वो सेक्स सेटिस्फेक्शन लेने का कोशिश किया। लेकिन दोस्तों जब उस बच्ची को ये बात ठीक नहीं लगा तो दो दिन बाद मतलब इंसिडेंट के दो दिन बाद वो अपने मम्मी को जाके ये बात बताई। उसके बाद उसके मम्मी और उसके पेरेंट्स मिलके एक एफआईआर दायर किया नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक इज्जत विक्टिम, तो उसके खिलाफ सेक्शन 354 आईपीसी एज वेल एज सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो के चार्जेस लगाए गए। जब इस केस का ट्रायल चला तो ट्रायल कोर्ट में उस विक्टिम को दोषी पाया गया और उसे 5 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट का सजा दिया गया। बाय द वे बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उस अपील को डिसमिस किया गया क्योंकि इस केस में डिफेंस का जो कहना था वो एकदम अटपटा था। डिफेंस का कहना था इंजुरी रिपोर्ट एकदम नील था, एकदम साफ था, एकदम क्लियर था। लेकिन उनका और एक बात कोर्ट को पसंद नहीं आया क्योंकि इस केस के जो डिफेंस थे वो बॉम्बे हाई कोर्ट को बार बार ये प्रूव करने का कोशिश कर रहा था कि वहां पर उस केस में एक प्राइमा फेसी डाउट है क्योंकि वो लोग दो दिन बाद एफआईआर फाइल किया था। तो इसके चलते बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग भी कोतवाल का ये कहना था कि किसी भी पॉक्सो के केस में, इसमें अगर इंजुरी रिपोर्ट क्लियर रहता है और सर्वाइवर मतलब विक्टिम में कोई इंजुरी नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पॉक्सो नहीं हुआ, ऑफेंस तो जरूर हुआ है। और इसके लिए कोर्ट का मानना है कि वो सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो को इफेक्ट ही नहीं करता। और इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा अगर किसी के बच्चे के प्राइवेट पार्ट में टच किया जा रहा है तो इससे प्रूव करता है कि वो पॉक्सो का केस है क्योंकि यहाँ पर इंजुरी रिपोर्ट का कोई फंडा नहीं है।
तो इस बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद हम कह ही सकते हैं कि अगर कोई एक्यूज्ड किसी बच्ची के साथ ऐसा गंदा काम करता है तो उसके लिए पॉक्सो कितना भारी पड़ सकता है। सो दोस्तों, अगर आप लड़की हो और आपका उम्र 18 साल से कम है और आपके साथ ऐसा ही सेक्सुअल असर होता आ रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में चर्च किया जा रहा है, तो आप अपनी मम्मी को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि कोई हो ना हो कोर्ट आपके साथ है।